अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वन ऑडियो की सेकंड प्रोडक्ट, जो कि वन ऑडियो डीजे हेडफोन्स है और इसका जो मॉडल नंबर है प्रो 10 है, ब्लैक कलर में ये आता है और इसकी जो प्राइस है वो आप लोगों की स्क्रीन के सामने आ रही होगी। अनबॉक्सिंग में बताऊंगा इसकी बिल्ड क्वालिटी का, डिज़ाइन का साथ में चेक करेंगे, इसकी जो बेस क्वालिटी है, माइक की क्वालिटी है और यहाँ पर जो साउंड क्वालिटी मिल रही है वो चेक करके आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो पूरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर पूरी वीडियो देखने के बाद ये आपको अच्छा लगे और आप बाय करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ रहा होगा और शॉप का एड्रेस भी आ रहा होगा, तो कॉन्टैक्ट करके इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। मेरा नाम है मोहम्मद रजा और आपका वेलकम हो गया। ओके, तो बॉक्स के फ्रंट में मिल जाता है वन ऑडियो का लोगो और नेम, यहाँ पर हेडफोन का जो डिज़ाइन है वो मिल जाता है और यहाँ पर बताया हुआ है कि 10 स्टूडियो डीजे हेडफोन्स का बताया हुआ है कि यहाँ पर जो है एक 2D में डिज़ाइन दिया हुआ और यहाँ पर बताया हुआ है कि दी पावर ऑफ म्यूज़िक। ओके, तो यहाँ पर बैक साइड पर आ जाते हैं तो यहाँ पर वन ऑडियो स्टूडियो डीजे हेडफोन्स का बताया हुआ है, यहाँ पर जो स्पेसिफिकेशन है वो बताया हुआ है और इसका जो मॉडल नंबर है प्रो 10 है, फ्रिक्वेंसी रेंज का बताया हुआ है, स्पीकर प्लग एंड जो प्लग टाइप है 3.5 mm जैक मिल रहा है जो कि स्टूडियो जैक है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अनबॉक्स करते हैं और जल्दी से फिर इसका जो डिज़ाइन है और जो बिल्ड क्वालिटी है वो चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है एक जो गाइड बुक है वो मिल जाती है, यूजिंग गाइड बुक है। ठीक है, तो इसको हम रखते हैं साइड पे और यहाँ पर जो है जो वायर है वो सेपरेट मिल रही है, डिटैचेबल जो है वायर्स मिल रही हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर जो है मैं साइड पर रख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर वायर क्वालिटी जो है वो अच्छी मिल रही है। ठीक है, नॉर्मल भी है लेकिन ये कि नॉर्मल से थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी मिल रही है, 3.55 mm के जैक मिल रहे हैं जो कि गोल्ड प्लेटेड कलर का दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं रखता हूँ साइड पे और ये जो इस वायर का यूज़ है ना, तो हेडफोन के अंदर जो है ना वो दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक 3.5 mm जैक का मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो है 6.5 mm जैक का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप इसका भी यूज़ करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी मैं दोनों आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जब मैं साउंड की क्वालिटी है उस टाइम ये दोनों वायर का यूज़ करके आपको बताऊँगा कि इसके अंदर जो फ़र्क है वो क्या मिल रहा है। यहाँ पर जो है ओके, तो यहाँ पर ये मूवेबल है, ये आप लोग देख सकते हैं, तो ये मूवेबल है, जो एयर कप है ये भी मूवेबल दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है ना क्वालिटी वाइज, तो क्वालिटी वाइज जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, सॉलिड प्लास्टिक मिल रहा है, ये है कि अच्छा प्लास्टिक है, जल्दी ख़राब और टूटने वाला नहीं है। तो यहाँ पर जो है डिज़ाइन वाइज जो है, डिज़ाइन वाइज काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, प्रीमियम डिज़ाइन लग रहा है, तो ये आप लोग देख भी सकते हैं। एक सिल्वर की जो है आउटलाइन दी हुई है जो कि एयर कप में मिल रही है, लेकिन ये कि डिज़ाइन काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, ये आप लोगों के सामने भी है। तो यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी है वो नो डाउट काफ़ी अच्छी मिल रही है, मूवेबल मिल रहे हैं एयर कप्स। ओके, तो यहाँ पर जो एयर साइज़ है वो मैं साउंड टाइम आपको चेक करके बताऊँगा कि ये कंफर्टेबल है या नहीं है। तो चलिए फिर इसका जो है साउंड टेस्ट करते हैं और फिर चेक करके आपको बताता हूँ कि इसकी जो साउंड की क्वालिटी है वो कैसी मिल रही है। ओके दोस्तों, जो भी ओके दोस्तों, तो मैंने इसको कर लिया है कनेक्ट पीसी के साथ और मैंने जो है ना आधे घंटे से इसको लगा के रखा हुआ और मैंने मोबाइल पे भी यूज़ किया है और जो है ना पीसी पे भी यूज़ करके मैं जो है ना सॉन्ग जो इसकी साउंड की क्वालिटी है वो मैं चेक की है, लेकिन ये कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिल रही है। और मैं इसका बता दूँ कि इसका जो साउंड की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर जो अगर हम इसे पहन लेते हैं तो ये इस टाइप से नज़र आता है और काफ़ी कम्फर्टेबल है और जो एयर कुशन है, एयर का साइज़ जो है वो भी काफ़ी अच्छा मेरा है, अनकंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी कंफर्टेबल हेडफोन बनाया है। तो चलिए फिर जो है ना इसका जो साउंड है वो टेस्ट करके मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो क्वालिटी है साउंड की और बेस की वो कैसी मिल रही है। तो मैं प्ले करता हूँ साउंड को। I got a bad bro, name hot in these streets, no Tabasco, but I'm so stubborn, that's a fact, yo, and if you think I'm running, you can run it back, yo, go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. Okay, so
दोस्तों जो इसकी साउंड की क्वालिटी है ना वो नो डाउट काफ़ी अच्छी मिल रही है, क्योंकि एक तो मेरे पास जो है ना मेरे पीसी में साउंड कार्ड नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये है कि फिर भी जो है ना इसकी जो साउंड की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी मिल रही है। और अगर मैं साउंड कार्ड लगा लूँ और मैं फिर चेक करूँ ना तो इसकी काफ़ी अच्छी मुझे साउंड लग रही है। और मैं इसका अगर मैं मोबाइल पर यूज़ करता हूँ तो इसकी जो मोबाइल में तो ऑटोमेटिकली जो इसका साउंड कार्ड वगैरह बिल्ट इन होता है मोबाइल के अंदर, तो इसकी जो साउंड की क्वालिटी है मोबाइल में वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है, बेस क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी मिलती है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है कि इसकी जो साउंड की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी मिल रही है और जो स्टार्टअप साउंड है वो भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। और मैंने दोनों पे जो है ना चेक किया है, पीसी का साउंड है वो भी सुना है और यहाँ पर जो मोबाइल का साउंड है वो भी कनेक्ट करके सुना है, तो दोनों में मुझे काफ़ी अच्छे साउंड लगी है, बेस क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी मिल रही है। ओके दोस्तों, तो इन दोनों वायर का जो यूज़ है ना, आप ये जो वायर है जो कि 6.5 mm वाली है वो आप पीसी में लगा के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो ब्लैक कलर की छोटी वायर है वो आप लोग ना मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका भाई ये यूज़ है, इतना कुछ खास यूज़ मुझे लगा नहीं है, क्योंकि मैंने दोनों वायर लगा के चेक किए, जो साउंड में जो है ना फ़र्क बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन ये कि साउंड की क्वालिटी वैसी रहती है। आप बस इसका यूज़ जो है ना पीसी में यूज़ कर सकते हैं और जो मोबाइल है उसमें यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इसकी जो और ये वन ऑडियो की जो प्रोडक्ट है वो मैंने यूज़ की है, सेकंड प्रोडक्ट है, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगा है ये जो हेडफोन है इनका, ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा है। तो मैं रेकमेंड भी कर सकता हूँ कि अगर तो कोई लेना है तो इस प्राइस टैग में जो है ये हेडफोन जो है ना काफ़ी अच्छी चीज़ मिल रही है, बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी मिल रही है। तो अगर तो ये आप लोगों को अच्छा लगा और आप बाय करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है और शॉप का एड्रेस भी आ रहा है, तो कॉन्टैक्ट करके इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। अगर तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।